हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोरोना काल में मेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने के खतरे को कम करेगी। और देखिए ये खुशखबरी है क्योंकि सबसे ज्यादा जो है आम लोगों के अलावा डॉक्टर ही इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में एक रोबोट डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की मदद करेगा। अच्छा भी है, जितना ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा मानव से मानव का जो इंटरेक्शन है कम होगा। संकट के इस दौर में ये अच्छी खबर आप भी देखिए। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव कोरोना काल में तकनीक के कमाल की कहानी लेकर आए हैं और ये कहानी एम्स के कोरोना वार्ड में रोबोट के काम करने की है। साथ ही एक मशीन है जो कुछ ही मिनटों में फ्लोर को साफ कर देगी। एम्स के कोरोना वार्ड में चहलकदमी करता हुआ ह्यूमनॉइड मेडिकल स्टाफ से घिरा है। 92 सेंटीमीटर ऊंचे ह्यूमनॉइड को बनाने वाली मिलाग्रो कंपनी के चेयरमैन राजीव करवाल से सुनिए कि ये रोबोट क्या क्या कर सकता है। एक डॉक्टर को पेशेंट के पास जाना ना पड़े और दूर से उससे बात कर ले और पेशेंट भी उनको देख सके इन लाइव एनवायरनमेंट। दूसरी चीज ये है कि दैट ये रोबोट इवन एक हेल्थ केयर वर्कर को एक इशारे से उसके पीछे पीछे जाएगा जहां पर भी उसको लेके जाना है। जिस भी पेशेंट, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर राउंड पे नहीं भी है तो भी बोलता है भाई मुझे अपने रिश्तेदारों से बात करनी है या कहता है मुझे डॉक्टर से बात करनी है, तो बिना हाथ लगाए वो हेल्थ केयर वर्कर लेकर के जा सकता है पेशेंट के पास। तो सबसे बड़ी एडवांटेज इस चीज की ये है कि दैट इस कोविड एनवायरनमेंट में जहां हमारे डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो भी बहुत रिस्क पे रहते हैं, उनका आना जाना और एक प्रॉक्सिमिटी या बहुत नजदीक से पेशेंट को देखना थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे एक इंसान के पास अपनी सोचने की शक्ति होती है, सेंस करने की शक्ति होती है, चलने की शक्ति होती है और उसके हिसाब से भगवान हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करता है, उसी डिग्री के हिसाब से ये 33% तक की इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और जैसे एक ह्यूमन बीइंग सेंस करता है और चलता है फिरता है उसी हिसाब से ये अपने ऑटो इंटेलिजेंस जो है इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके हिसाब से चलता फिरता घूमता रहता है। इवन वार्ड के अंदर अपना घूमता रहेगा, कहीं किसी से टकराएगा नहीं, कहीं किसी से चोट नहीं लगेगी। 92 सेंटीमीटर ये लंबा है और लाइव रिकॉर्डिंग करके आपको एक तरीके से वार्ड के अंदर क्या हो रहा है इन रियल टाइम ये आपको पीछे कंट्रोल सेंटर के अंदर दिखा सकता है। ह्यूमनॉइड रोबोट सेंसर और कैमरे से लैस है ताकि इसे कोई परेशानी ना हो। देखो यहाँ पर जो है इसके एक नाइट विजन का 360 डिग्री कैमरा लगा है, यहाँ पर एक और कैमरा लगा है, इसके अंदर नाइट की फ्लैशलाइट लगी हुई, यहाँ पर एक और कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर इसका PIR सेंसर लगा हुआ है जो ह्यूमन बॉडी को सेंस करता है और बाकी चारों तरफ जो है इसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फॉल सेंसर, टच सेंसर, प्रेशर सेंसर, काफी तरीके के सेंसर लगे हैं ताकि एक बड़ी पूरा अगर एक रूम भरा भी हुआ है तो भी बिना किसी से टकराए ये अपना जो काम करने जा रहा है वो अपना काम इजाद करके आ जाए इंडिपेंडेंट। एक फ्लोर क्लीनिंग मशीन भी एम्स में इस्तेमाल की जाएगी। सुनिए ये मशीन कैसे मोबाइल ऐप के जरिए काम करेगी। इसके ऊपर जो एक सेंसर लगा हुआ है वो 2160 बार 360 डिग्री में एक सेकंड में रोटेट करता है और एक मैप फॉर्म करता है और उस मैप को फॉर्म करने के बाद में अपने आप रोबोट अपना पाथ बनाता है और उसको वेट एंड ड्राई दोनों क्लीनिंग कर देता है। कोई दिक्कत आएगी तो इसके अंदर सेल्फ डायग्नोसिस लगा हुआ है या आपके मोबाइल पे इमीडिएटली बता देगा कि मेरे ब्रश के अंदर कुछ अटका है या मेरा डस्टबिन में कुछ अटक गया है, तो वो आप उसके पास जाकर के उसको सॉल्व कर सकते हैं। रोबोट की कीमत 6,50,000 है जबकि फर्श साफ करने वाली मशीन की कीमत करीब 70,000 रुपए है। ये रोबोट उन मरीजों तक जाता है, वहां से डॉक्टर्स की बात कराता है और अपने आप ही वहां की पूरी रिकॉर्डिंग करता है, सारी चीजों को देखरेख करता है और वहीं ये जो क्लीनिंग सिस्टम है ये बिना किसी इंसान के छुए अपने आप उस सतह को साफ करता है और ये सब कुछ कंट्रोल हो सकता है आपके फोन से या आपके सिस्टम से और दूर बैठे भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली।